सेशंस में कुछ टॉपिक किए थे और इस सेशन में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, उससे पहले हम पिछले सेशन में जो हमने टॉपिक किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कौन सा टॉपिक किया था हमने? किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। कौन से मेथड से? गुणनखंड के मेथड से। गुणनखंड के, जी हाँ बच्चों, गुणनखंड के मेथड से हमने इसको सोल्व करना सीखा था। तो कैसे सोल्व करना सीखा था एक बार दोहरा लेते हैं। चलिए तो एक जनरल फॉर्म में लिख देता हूं इसका, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने द्विघात समीकरण की एक जनरल फॉर्म लिख दी है। इसको कैसे हल करते थे? इसमें मेन जो चीज होती है वो क्या होती है? ए इंटू सी, ए गुना सी। और ये क्या होता है? ए गुना सी। ए यहाँ से ले लिया हमने, सी यहाँ से ले लिया, इन दोनों को गुणा करके जो आता है उसके हमें ऐसे दो गुणनखंड बताने थे जिनका योग क्या होता है? जिनका योग बी होता है। यहाँ पे ये दो गुणनखंड आ जाते थे हमारे और इन दोनों का योग बी होता था। तो हम इस विधि से इसको हल करते थे और इसके आधार पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, एग्जाम्पल्स भी किए। अब हम इसको इसके आगे टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक क्या है उस चीज पे ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए बच्चों, मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग, जैसे नाम से ही आपको पता लग जाता है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाकर। अब देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस वर्ड से, इस वर्ड से। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? अब देखिए, आपने दो फॉर्मूले ये बचपन से ही पढ़े होंगे, सीखे होंगे। तो बताइए, अब ये दो फॉर्मूले अगर इनको खोलते हैं ब्रैकेट को, तो क्या होते हैं ये फॉर्मूले? आप मुझे बताइए, सोचिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वर्ग और ए माइनस बी का वर्ग, क्या होता है? कैसे खोलते हैं इनको? ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। ए प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे खोलते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले आपको आते होंगे। तो हमने ये फॉर्मूले यहाँ पे क्यों लिखे, मैंने ये सोचिए जरा। यहाँ पे देखिए, पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग बनाकर हमें इसको हल करना है द्विघात समीकरण को। तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले का यूज होगा, इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। तो आपको ये फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये है हमारा स्क्वायर को खोल के। तो अगर हम, हमारे पास कोई ऐसी टर्म हो, ऐसा समीकरण हो, इससे हम ये वाली चीज बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है? अभी तक हम ऐसे करते आए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था और उसको हमने खोल के इस फॉर्म में लिख दिया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम उल्टा करने वाले हैं इसका। इस फॉर्म से हम इसमें आएंगे। तो वो कैसे आएंगे? देखिए कि हमारे पास कोई भी एक समीकरण है और बाई तरफ हम उस समीकरण को ऐसी फॉर्म में बना देंगे, ऐसी फॉर्म में बनाएंगे कि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसको सीधे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। 3x2, 3x2 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने, 3x2 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने, द्विघात समीकरण को हल करना है, इस बारी कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे इसका ध्यान दीजिए। ये स्टेप मेथड होता है, स्टेप वाइज मेथड होता है। तो पहली स्टेप में, सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे हम? जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? जी हाँ बच्चों, कोफिशियंट मतलब आपको पता होना चाहिए गुणक। गुणक क्या है?
जो एक्स स्क्वायर के साथ में आती है, जो टर्म उसको बोलते हैं गुणक यानी कि कोफिशियंट। तो एक्स के साथ में जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, टर्म जीरो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए इसके साथ, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ जैसे 3 है, 4 भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी टर्म है हम उसको हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को, पूरे समीकरण को अगर 3 से भाग दे दें, तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं रह जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ हम कुछ भी नहीं रहने देंगे, हम इसको 3 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण को। तो 5x/3 +2/3, और यहाँ पे 0/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आ जाएगा। 0 बटे कुछ भी लिखेंगे तो 0 होता है, ये आपको पता होगा। तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे इसको। अब देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -5x/3 +2/3 =0। तो सबसे पहले चरण में, पहली स्टेप में हमने क्या किया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि गुणक है उसको हटा दिया हमने। कैसे हटाएंगे, ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। हमने इसको क्या किया, पूरे समीकरण को जो एक्स स्क्वायर के साथ था उससे भाग दे दिया। तो एक्स के साथ अब कुछ भी नहीं रह गया, शाबाश। अब आगे क्या करेंगे, जी हाँ आगे हमें क्या करना है ये बताइए आप। आगे हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही सुना आपने, आगे हमने कुछ भी नहीं करना। चलिए कुछ भी नहीं करते हैं फिर, एक्स स्क्वायर -5x/3। देखिए हमने पहली दो टर्म्स के साथ कुछ भी नहीं किया है, ये हमने ऐसे की ऐसे नीचे उतार दी हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर लिया, अब है कुछ करने की बारी। तो हाँ जी, दिल थाम के बैठिए, अब कुछ करेंगे, और यही चीज डिसाइड करेगी कि आपका क्वेश्चन कितना आसान बनने वाला, कितना हलवा बनने वाला है। सिर्फ 30 सेकंड की बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, कि इसमें हम क्या करेंगे, आप रफ में लिख लीजिए इसको, रफ साइड में आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जो एक्स का कोफिशियंट है, यहाँ पे हम एक्स का गुणक लेंगे। अब एक्स का कोफिशियंट क्या है, 5/3। दूसरे चरण में आप ध्यान दीजिए, जो एक्स का कोफिशियंट, एक्स का गुणक है, उसको हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, और उसका कर देंगे हम वर्ग। बस इतना ध्यान देना है कि दूसरे चरण में क्या करना है, जो एक्स का कोफिशियंट है उसको हम आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका कारण स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया, पहले इसको हम लिख लेते हैं। आगे देखो, कुछ भी नहीं करने के बाद हम इसको लिख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर गुणा करके स्क्वायर कितना आया, 5/3 × 6, तो 5/6 का स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ पे नहीं खोलना है हमने, इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हम ऐसे कैसे लिख देंगे, एक बार इसको हम इसमें जोड़ देंगे टर्म में, 5/6 का स्क्वायर, एक बारी इसको घटा देंगे हम, इनमें से माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, और आगे इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या बच गया था, +2/3। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, हमने जोड़ा और घटाया क्यों, हमने इसमें इसी चीज को हमने जोड़ दिया पहले, फिर इसी चीज को घटा दिया। ये हमने इसलिए किया कि मान लो कोई भी टर्म हो, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी चीज हो, तो हमें अगर उसमें कुछ भी जोड़ते हैं, मान लो 4 ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, 4 में अगर हमने 2 जोड़ा और 2 घटाया तो कितना बच गया, 4 बचा, क्योंकि 2 जोड़ के फिर 2 घटा दिया तो उतना ही बचेगा। तो इसीलिए हमारे पास यही टर्म बच गई, यही इक्वेशन बच गई, इसलिए हमने वही चीज इसमें जोड़ दी और वही घटा दी, ताकि कुछ बदलाव ना हो, इसलिए हमने इसी चीज को जोड़ के और घटा दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्लस और माइनस कर दिया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, a-b का होल स्क्वायर किया था हमने, a² - 2ab +b² ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ, ये वाला फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो ए स्क्वायर मान लेते हैं, -5x/3 को 2ab मान लेते हैं, और जो 5/6 स्क्वायर है उसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a-b² का। यहाँ पे a क्या है, x, और b क्या है, 5/6, 5/6, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -5/6। इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 +2/3।
थ्री इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए, मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको हमने दो से भाग क्यों दिया और फिर इसका वर्ग क्यों किया। हमने इसको दो से भाग इसलिए दिया ताकि, देखिए, ये हमारे पास 2ab है, यानी कि जो x वाली टर्म है ये 2ab की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए था। b स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर ही तो आया था, दो से भाग करके फिर स्क्वायर करने पे, तो हमें b स्क्वायर चाहिए था। b स्क्वायर ये फॉर्मूला से हमारे पास आएगा। अगर इस चीज को हम दो से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। अगर 2ab को हम क्या करेंगे, 2ab को अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ab आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया था, इसको भाग दे दिया था। अब देखिए, हमने x को नहीं लिया था यहाँ पे, इसीलिए हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसके आगे क्वेश्चन बन चुका है हलवा। अब सिर्फ आपको खाना है इसको। कैसे खाना है कि सिंपल है, जो हमारे पास ये वर्ग आया है इसको एक तरफ रखेंगे बाएं तरफ, बाकी सबको दाएं तरफ ले जाएंगे और उसको हल कर देंगे क्वेश्चन को। बहुत ही आसान हो चुका है अब क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 5/6 का स्क्वायर और बाकी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 25/36, और जो प्लस में है वो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 2/3। अब देखिए, इसको हम हल कर देंगे एलसीएम लेके, जैसे करते हैं, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 36 है, एलसीएम में 36 आ गया, तो 25 माइनस तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24, 25 माइनस 24, तो ये तो आपको आता होगा, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब सीधा सीधा हम इसको लिख देंगे, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग मूल निकाल लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, वर्ग मूल निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, x माइनस 5/6 का वर्ग मूल निकालेंगे तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, इसका वर्ग हट जाएगा, और यहाँ पे वर्गमूल लिखेंगे तो 1/36 का वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स, कि अगर 1/36 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास माइनस 5/6 यहाँ पे है, और इस तरफ आ जाएगा प्लस माइनस 1/6, 1/6। अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस कहाँ से प्रकट हो गया, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता था कि 1/6 है या माइनस 1/6 है, हमें क्यों नहीं पता था। देखिए, अब हम दोबारा से इसका वर्ग करते हैं, दोबारा से वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1/36, 1/6, 1/6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/36, अगर माइनस 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/36 ही आएगा, तो हमें क्या पता कि ये माइनस 1/6 था या प्लस 1/6, तो हम दोनों को यह मान लेंगे और दोनों को बारी बारी हम हल कर देंगे। दोनों को हम हल करेंगे तो x माइनस 5/6 इक्वल टू, एक बारी लिख देंगे प्लस 1/6, या फिर दूसरे में लिख देंगे x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। दोनों को हम अलग अलग हल कर लेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, x इक्वल टू माइनस 5/6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5/6, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 1/6 प्लस 5/6। अब इन दोनों को हमें हल करना है, कैसे करेंगे, देखिए नीचे आ गया 6 एलसीएम, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया, 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 1। यहाँ पे x का मान हमारा 1 आया है, और ऐसे ही हम यहाँ पे x का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, नीचे 6 आ गया, अब यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स, माइनस 1, और यहाँ पे 5 है, तो माइनस 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, 6, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे आ गया 2/3। तो यहाँ पे x का मान हमारा 1 या फिर 2/3 आ गया, x का मान या तो 1 है या फिर
दो बाय तीन। तो ये हमारा x का मान आ गया कौन से मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक उदाहरण हमने यहां कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन हल करते हैं। आप देखना कि आपने ये मेथड ध्यान से सीखा है तो आपके लिए क्वेश्चंस कितने आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अभी हम करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड पे करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर एक का पहला पार्ट हम करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। या यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, वो हमें इससे पता लग जाएगा कि इसका अगर अस्तित्व होगा तो हमारे पास इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमने इसको इसके मूल ज्ञात करने हैं अगर उनका अस्तित्व हुआ तो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2x square माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है। अब इसमें हम वही तरीका लगाएंगे, उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। कौन सा तरीका? जो अभी हमने एक उदाहरण के माध्यम से सीखा था, बिल्कुल वही तरीका लगाए। जी हाँ बच्चों, अब देखिए, ध्यान दीजिए, याद कीजिए कि सबसे पहले चरण में, सबसे पहली स्टेप में हमने क्या किया था। मैं बता देता हूँ, सबसे पहली स्टेप में हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट था, एक्स के साथ जो था, उसको हमने हटाया था। कैसे हटाया था? सारी इक्वेशन को, सारे समीकरण को हमने जो एक्स के साथ था उससे भाग दे दिया था। वहां पे 3 था, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 से सारे समीकरण को भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2x² / 2 माइनस 7x / 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब 2 से 2 काट दिया तो x² माइनस 7x / 2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब पहला चरण हमारा हो चुका, पहला स्टेप हो चुका। अब क्या आ गया? दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, याद कीजिए बच्चों। दूसरे स्टेप में मैंने बोला था कुछ नहीं करना है, तो अब कुछ नहीं करने का वक्त आ गया है। इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 7x / 2। तो इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये तो 2ab वाली टर्म हो गई, ये वाली हमारी कौन सी टर्म होगी, 2ab वाली। अब इसके आगे हमने क्या करना है, मैंने बोला था आप रफ में लिख सकते हैं, जो x का कोफिशियंट है, x का गुणक है, कितना है, 7/2, उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधा करके फिर उसका वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7/4 का वर्ग आ गया, 7/4 का वर्ग आ गया। अब इसको हम एक बारी जोड़ेंगे, एक बारी घटा देंगे, यहां से एक बारी जोड़ेंगे तो 7/4 का वर्ग इसमें जोड़ दिया। उसके बाद 7/4 का वर्ग, फिर घटाना भी है, याद रखना जो आप जोड़ते हो उसे घटाना ना भूलें, ताकि हमारे समीकरण में कोई बदलाव ना हो। उसके बाद 3/2 था, तो हम इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वेश्चन फिर से हलवा बन चुका है, कुछ नहीं करना। इसमें आपका स्क्वायर आ गया है, देखिए क्या आ गया है, इन दोनों साइन में से एक साइन माइनस का है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको अगर आप खोल के देखेंगे, चलिए अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, तो वैसे ही आएगा ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आगे आता है 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करते हैं, ब्रैकेट खोल के देखते हैं, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर वाले मेथड लगाते हैं इसमें, तो x स्क्वायर आ गया माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 7/4, और उसके बाद क्या आएगा हमारा, प्लस बी स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस
इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो वापस से वही आ गया हमारे पास, सिर्फ ये आपको सिखाने के लिए था, बताने के लिए था कि हमारे पास ये वैसे ही आ जाता है जैसे हमने मैं फॉर्मूला लगाते हैं, तो वापस हमारे पास वही चीज ये वेरिफिकेशन आपकी सिर्फ। तो चलिए आगे इसको कैसे करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम आगे ऐसे लिख देंगे, x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर है, और आगे क्या करेंगे, हमने माइनस 7/4 को स्क्वायर खोल देंगे हम, कितना आ जाएगा 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, 7/4 का स्क्वायर खोल दिया है, तो कितना आ गया हमारे पास 49/16। अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इनको ले चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे इनके, बाकी सब सेम रहेगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और वैसे ही इसको हल करेंगे, तो एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 एलसीएम आ गया, कितना आ गया यहाँ पे तो 49 आएगा, और यहाँ पे 8 3 24 24 आ गया। आगे हल करते हैं इसको, शाबाश, इसका स्क्वायर बराबर है 49 में से 24 गए तो 25/16 हमारे पास ये आ गया। अब वर्गमूल करने का वक्त आ गया बच्चों, तो इसका वर्गमूल कर देंगे हम। अगर वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है, एक्स माइनस 7/4 इसका वर्ग हट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 25/16 का वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल हो ही गया है हमारा, एक्स माइनस 7/4, फिर से वही हम क्या लिखेंगे, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 5/4, इसको फिर से कर लेंगे हम, एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 आ गया, या फिर हम लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। इसको दोबारा से हल करेंगे और x के दो मान आ जाएंगे हमारे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो x इक्वल टू 5/4 माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, या फिर दूसरा वाला करते हैं, x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, आसान है, 4 नीचे आ गया, 7 और 5 12, तो 4 3 12, एक्स का एक मान आ गया हमारे पास 3, या फिर दूसरा मान निकाल लेते हैं हम। दूसरा मान कैसे आएगा, नीचे 4 आएगा, -5 + 7, तो कितना आ गया 2, 1 और 2, 2 से इसको काट देंगे, एक्स बराबर है 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के दो मान आ गए, तो हमारे पास इसकी समीकरण की का हल आ गया, कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।